Hi everyone, I am Praveen Sagar from KP Spoken English. You are welcome to my channel. क्या आप तैयार हो गए हो? हाँ, मैं तैयार हो गया हूँ. क्या आपने खाना बना लिया है? हाँ, मैं खाना बना चुका हूँ. मैंने खाना बना लिया है. क्या आप दिल्ली पहुँच गए हो? हाँ, मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ या पहुँच गया हूँ. क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? हाँ, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. इस तरह का कॉन्वर्सेशन हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे, आज की क्लास से हम ये सीखने वाले हैं. ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं. देखिए, कोई भी काम पूरा कर लिया है आपने या हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, गेट इट. देखिए, जब कभी भी आपको ये कहना हो कि मैं काम कर चुका हूँ या कर लिया है, तो वहाँ पे हैज हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. एक्शंस क्या होते हैं? गो, कम, स्पीक, लिसन, डू, ये सारे एक्शंस हैं. तो इनकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे बस. और जहाँ जहाँ एक्शन की थर्ड फॉर्म आ रही हो, समझे वहाँ पर काम पूरा हो चुका है की बात हो रही है. तो यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई भी काम आपने पूरा कर लिया है या कर चुके हैं, तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. बस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझिएगा. यदि आप यह कहें कि भाई मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको बोलेंगे आई हैव टेकन फूड. आई हैव टेकन फूड, गेटिंग. यानी आई हैव तो बोलना ही बोलना है, उसके बाद में एक्शंस चेंज होते रहेंगे जो भी आप करेंगे, और उसकी थर्ड फॉर्म. बस इतना सीखना, बस गेटिंग. मैंने चाय पी ली है, इसको बोलेंगे आई हैव टेकन टी. I have taken tea. तो take की थर्ड फॉर्म है taken. तो have के बाद taken आ गया ना, कि take आएगा. थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा. कब? जब काम पूरा हो चुका है तब. मैंने कपड़े धो लिए हैं या फिर मैं कपड़े धो चुका हूँ, इसको बोला जाएगा I have washed. Washed की थर्ड फॉर्म ed लगाकर बन जाएगी. मैं कपड़े धो लिए हैं या धो चुका हूँ, तो बोलेंगे I have washed the clothes. I have washed the clothes. Getting? मैंने खाना बना लिया है. आई हैव कुक्ड फूड. आई हैव कुक्ड फूड. आप लोग देख रहे हैं कि हैव के बाद हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि काम पूरा हो गया है, यह मैं बता रहा हूँ. मैंने बिल जमा कर दिया है. बिल जमा करना होता है पे द बिल, पी ए वाई, पे द बिल. पे की थर्ड फॉर्म होगी पेड, पी ए आई डी. मैंने बिल जमा कर दिया है या कर चुका हूँ, इसको बोला जाएगा आई हैव पेड द बिल. आई हैव पेड द बिल, गेटिंग. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. पूरा करना होता कंप्लीट. कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, इसको बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. इज दैट क्लियर? मैं नहा लिया हूं. मैं नहा चुका भाई. नहाना होता है टेक अ बाथ. टेक की थर्ड फॉर्म बनेगी टेकन. मैं नहा लिया हूँ, तो इसको बोला जाएगा आई हैव टेकन अ बाथ. आई हैव टेकन अ बाथ. इज दैट क्लियर? ये तो हम बता रहे थे कि कौन कौन सा काम हमने पूरा कर लिया है. पूछा किसी ने है नहीं हमसे, तो हम बताएंगे भी नहीं. यदि आप किसी से पूछो कि भाई नहा लिए क्या, आप तैयार हो गए हो क्या, पहुंच गए क्या, काम पूरा कर लिया क्या, बिल जमा कर दिया क्या, तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन करने के लिए हम एक पैटर्न का यूज़ करेंगे. वह हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म. हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, गेटिंग. तो आप मेरे से पूछो कि क्या आपने बिल जमा कर दिया, तो इसको बोलेंगे हैव यू पेड द बिल. हैव यू पेड द बिल. ये आपने पूछा, क्या पूछा? यस. बोलना बेहद ज़रूरी है, प्लीज़. क्या आपने बिल जमा कर दिया, इसको बोलेंगे हैव यू पेड द बिल, गेटिंग. और पूछेगा कि क्या नहा लिया आप, इसको बोलेंगे हैव यू टेकन अ बाथ. हैव यू टेकन अ बाथ. क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. तैयार हो गए क्या आप. Have you got ready? Got जो है get की थर्ड फॉर्म है. तैयार हो गए हो क्या आप, इसको बोलेंगे Have you got ready?
हैव यू गॉट रेडी, गेटिंग, क्या आपने मोबाइल रिपेयर कर दिया, हैव यू रिपेयर्ड द मोबाइल, हैव यू रिपेयर्ड द मोबाइल, ये हम पूछ रहे थे। अब हमने पूछना सीख लिया कि काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है अभी, और बताना भी सीख लिया कि मैंने काम पूरा कर लिया है। अब इस क्लास का हम कंप्लीट एक मिनट के लिए करते हैं कॉन्वर्सेशन, आप मेरे साथ बोलिएगा जरूर, रेडी? तो मेरे से कंफर्म करो आप कि क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड, बोल क्या बोलेंगे, हैव यू टेकन फूड, क्या आपने पूछा, अब आंसर दो, हाँ मैंने खाना खा लिया है, मैं खा चुका हूँ, यस आई हैव टेकन फूड, यस आई हैव टेकन फूड, क्या आपने बिल जमा कर दिया है, हैव यू पेड द बिल, हैव यू पेड द बिल, हाँ मैंने बिल जमा कर दिया है, यस आई हैव पेड द बिल, यस आई हैव पेड द बिल, क्लियर? तो आज हमने सीखा कि कोई भी काम हमने पूरा कर लिया है उसको हम कैसे बताएंगे, और काम पूरा हुआ है या नहीं उसको पूछने के लिए हम कैसे पूछेंगे, गेटिंग? देखिए कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है यह क्लास देखने के लिए आप लिंक में दे रखा है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास का मैं सेकेंड पार्ट आपको कल अपलोड कर दूंगा, लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और आसान तरीके से और जल्दी से इंग्लिश सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।